एसपी अमित जावेद ने शनिवार को बायसी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाना के सभी फाइलों को गहराइयों से खंगाला तथा कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान शराब तस्करी एवं क्राइम कंट्रोल के ऊपर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। वह उन्होंने कहा कि शराब तस्करी को रोकने एवं तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाते रहना होगा। वहीं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए भी एसपी ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने 400 लंबित कांडों तथा क्राइम के अन्य कांडों का कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्य का निष्पादन समय से करने का निर्देश दिया। वह एसपी के निर्देश से पुलिस कर्मियों में हरकंप मचा रहा। मौके पर एसडीपीओ आदित्य कुमार, बायसी थाना अध्यक्ष रमेश कांत चौधरी समेत कई अन्य एसआई सहित चौकीदार मौजूद थे। आज बायसी थाना में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी कांडों का निष्पादन हेतु रिव्यू किया गया, जिसमें सभी अनुसंधान पदाधिकारी को त्वरित गति से अनुसंधान समाप्त करने तथा गिरफ्तारी करने के लिए, अगर किसी कांड में कुर्की बची हुई है तो कुर्की समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और ये थाना में जो गाड़ियाँ लगी है, इसके संबंध में क्या बातचीत है? थाना में जो भी कांडों में गाड़ी पकड़ी गई है, जिस उनके बारे में कहा गया कि अगले महीने में इन सभी गाड़ियों को पुलिस मुख्यालय पूर्णिया भेज दिया जाएगा। थाना में कितना कुल लंबित मामले हैं जिसको लेकर रिव्यू किया गया? लगभग 400 के करीब केसेस पेंडिंग हैं। स्टैम्प दिया गया है कैसे, कितने दिनों में? जितना जल्दी हो सके केस का निष्पादन करते हैं।